मैं तुमसे बहुत अपसेट हूँ। तुमने एक भी बार मुझे फोन करके या टेक्स्ट करके नहीं पूछा कि मैं खैरियत से पहुंच गई हूँ या नहीं। पूछा था मैंने। अच्छा, पर मुझे तो तुम्हारा ना कोई टेक्स्ट मिला और ना ही मिस कॉल, जबकि जैन मेरे साथ ही बैठा था, उसको तो तुम्हारा टेक्स्ट मिल गया। तुम दोनों को ही किया था मैंने, अब पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं मिला। अजीब सी बात है, लेकिन खैर तुम कंफ्यूज क्यों हो रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा ना, छोड़ो इन बातों को। कैसी हो तुम? घर में सब कैसे? मैं ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक है, लेकिन तुम थोड़ी ठीक नहीं लग रही मुझे। इज एवरीथिंग ओके? तुम ऐसी बातें करोगी तो मेरी तबीयत कैसे ठीक होगी? डरा देती हो तुम। चलो गुड, मैं तो डर ही गई थी। अच्छा लिसन, बाबा और अम्मा आ रहे हैं इस वीक हवेली। जैन अली के साथ? हो सकता है। मैं जरा बाबा को बता दूं कि आप लोग आ गए। माशाल्लाह अपनी शादी पर बहुत ही खुश है। क्यों खुश ना हो, खुशी की तो बात ही है, बस अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। आमीन। फूफो, आप तहरीन को ले आती हैं साथ? अरे मेरी बच्ची को इतने काम है, इतने काम करने के बावजूद भी सब काम फैला हुआ पड़ा हुआ, लेकिन अल्लाह भला करे, जैन अली का इतनी खिदमत कर रहा है, इतना साथ दे रहा है। मेरा बेटा जैन तो है ही ऐसा, किसी की भी मदद को पहुंच जाता है। भाभी आपने बिल्कुल सही कहा। अजी बताइए, इस शादी के मौके पे आप तोहफा क्या लेंगी? अरे अल्लाह पाक सलामत रखे मेरे भाइयों को, मेरे बिन कह ही सब कुछ कर देते हैं। सच बताऊं, आप लोगों का आना ही मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा, मेरे घर की पहली खुशी जो ठहरी। ये तो खानदान की इतने सालों के बाद पहली खुशी है। बस इस मौके पे बाबा साहेब, अम्मी और जफर अली की याद बहुत आती। हाँ ये तो है, याद तो वो हर मौके पर आते हैं। अच्छा मैं ये कह रही थी कि तुम शफक को अपने साथ ले जाओ। तो यहाँ? यहाँ मैं हूँ, वहाँ पे जैन अली भी यहीं होगा। कुरतलैन की रुख्सती करने के लिए भी तो कुछ लोगों को यहाँ होना चाहिए ना। शफक को तुम ले जाओ अपने साथ, क्यों अकबर अली? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं तो सोच रही थी कि सब मेरी तरफ से शिरकत करते। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ कुरतुल्लैन को रुख्सत करने के लिए भी तो कुछ लोगों को होना चाहिए ना। बिन माँ की बच्ची है, यूं यूं महसूस ना करे। खैर कार्ड देखा? हाँ बहुत अच्छा है माशाल्लाह, देखो। बहुत अच्छे है माशाल्लाह।